नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पे आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। रांची के हिंदपीढ़ी से 3 नए केसेस के मिलने के बाद फिर से एक बार हिंदपीढ़ी इलाके में 72 घंटे की कर्फ्यू लगा दी गई है। सोमवार को देर शाम जो है 5 नए मरीज पूरे झारखंड से चिन्हित किए गए। नितिन कुलकर्णी साहब जो कि स्वास्थ्य सचिव हैं, उन्होंने इसकी पुष्टि भी की और लगातार ये उन्हीं एरियो से ये नए मरीज भी मिले हैं जिन एरियो में पहले से ही संक्रमण के जो केसेस थे वो फाइंड आउट हुए थे। तो एक मरीज आप देख लीजिए गिरिडीह से और एक मरीज जो है वो बोकारो से और एक मरीज जो 3 मरीज हैं वो मिले हैं आपको रांची के हिंदपीढ़ी से। तो ये जो है पहले से ही हॉटस्पॉट बताए जा रहे थे और इनको लेकर जो है प्रशासन ने वहाँ पे सख्ती के संकेत भी दिए हैं। तो 5 नए केसेस जो है सोमवार की देर रात जो है वो चिन्हित किए गए और अब एक तरीके से झारखंड की सरकार और झारखंड की प्रशासन के लिए चुनौतियाँ बढ़ गई है। टोटल केसेस राज्य में बढ़कर हो गए हैं 24, क्योंकि आपने देखा कि पहले से ही 19 केसेस थे और इन 5 केसेस बढ़ने के बाद जो है पॉजिटिव की संख्या हो गई है 24 और अभी तक एक भी मरीज जो है झारखंड के अंदर इस संक्रमण से ठीक नहीं हुआ है। तो ये भी एक चिंता की बात है कि जो मरीज हॉस्पिटल्स में हैं उनका इलाज ठीक तरीके से चल रहा है। 3 जगहों पे जांच की व्यवस्था जो है वो बनाई गई है। आपने देखा कि धनबाद के पीएमसीएच में भी सेंटर्स बनाए गए हैं लेकिन इटकी को अप्रूवल जो है अभी तक ICMR की तरफ से नहीं दिया गया है। हालांकि राज्य सरकार जो है लगातार प्रयास कर रही है कि इटकी को किसी तरीके से अप्रूवल मिले टेस्ट सेंटर्स के लिए। तब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में किस तरीके से झारखंड की सरकार जो है क्या इन जगहों पे जो हॉटस्पॉट चिन्हित किए जा रहे हैं और खास करके ये 3-4 जगह, एक तो बोकारो हो गया, एक हजारीबाग हो गया, कोडरमा गिरिडीह और जो महत्वपूर्ण है हिंदपीढ़ी, तो इन 4 जगहों से केसेस आ रहे हैं। ये राहत भरी खबर इसलिए भी है कि नए केसेस जो है नए जगहों से नहीं आ रहे हैं, यानी कि आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो ये केसेस हैं, जो ये हॉटस्पॉट बने हैं, यहां किसी तरीके से आगे संक्रमण जो है वो ना फैले। हिंदपीढ़ी में जो केसेस मिले हैं 3, उनमें से ज्यादातर पुरुषों की संख्या जो है, आयु वर्ग जो है वो 35 से 45 का है और बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति के अभी कुछ ही दिन पहले वहां पे मौत हो गई थी उनमें से एक युवक जो है इनके संपर्क में आया था। दूसरा जो महत्वपूर्ण केस हुआ है खास करके अगर देखें तो आपने कुछ बोकारो के चंद्रपुरा आपने देखा कि वहां पे किस तरीके से स्थितियां जो है फैली है तेलो गांव के पास। उसके बाद आपने देखा कि साड़म की क्या स्थिति है, साड़म से भी रिपोर्ट आ रही है। तो वहाँ पर बोकारो में एक व्यक्ति की मौत भी हुई थी वहाँ के अस्पताल में, वहाँ के डॉक्टर्स भी क्वारंटाइन में हैं। तो अभी इस वक्त जो है राज्य की स्थिति है 1,00,000 से ज़्यादा लोग होम क्वारंटाइन में हैं और लगभग जो है मेडिकल क्वारंटाइन में भी कुछ लोगों को रखा गया है जो सरकार के क्वारंटाइन सेंटर हैं। सरकार लगातार कह रही है कि अगर कोई भी लक्षण दिखता है तो प्रशासन को तुरंत इंतला करें। वैसे तो बाकी जिलों में जो स्थितियां हैं कमोबेश अभी केसेस सामने नहीं आ रहे हैं लेकिन अब धनबाद में टेस्टिंग का काम चालू हो गया तो मुझे लगता है कि टेस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अब होंगे और अगर इटकी को अप्रूवल मिल जाता है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में जो केसेस की संख्या होगी वो और बढ़ सकती है। तो इसके लिए प्रशासन की क्या तैयारियां हैं इस पर पूरी निगाह है। लेकिन कल जो कैबिनेट में निर्णय हुए, महत्वपूर्ण निर्णय हुए, कैबिनेट मीटिंग के बाद जो है ये कहा गया कि अब सरकार जो है लगातार प्रयास करेगी कि लॉकडाउन के बाद भी लॉकडाउन के तहत जो है कुछ उद्योगों में थोड़ी बहुत ढील दी जाए और 3 मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है, चंपई सोरेन साहब, सत्यानंद भोक्ता जी और रामेश्वर उराव जी, इन 3 मंत्रियों की एक कमेटी बनी है जो कि हेमंत सोरेन सरकार को अनुशंसित करेगी कि लॉकडाउन को किस तरीके से बढ़ाया जाए या लॉकडाउन में किस तरीके से किन चीजों को छूट दिया जाए। जो भी अपडेट आएगा इस पर हम लगातार आपके बीच रखते रहेंगे। और जो महत्वपूर्ण अपडेट था, विधायक के अनुशंसा पे ₹1,000 देने की बात कही गई है और 2,000 उन परिवारों को जिनके मुखिया की बाहर है। तो देखना है कि इसका कितना फायदा राज्य के लोगों को मिलता है। फिलहाल सरकार का पूरा ध्यान जो है इन हॉट स्पॉट जो क्षेत्र है इनसे संक्रमण बाहर नहीं फैले इसको लेकर है और जगह जगह ये मांग भी उठ रही है कि झारखंड में भी भिलवाड़ा का मॉडल जो है वो लागू कर दिया जाए। तो देखने वाली बात होगी कि भिलवाड़ा मॉडल जो है किस तरीके से झारखंड के लिए फायदाकारी होता है और जो सबसे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या राज्य सरकार जो है अब स्ट्रिक्टली एक्शन जो है और ले पाएगी, क्योंकि तेलो गांव हो, साड़म हो या फिर हिंदपीढ़ी हो, हर जगह से एक तरीके से राहत भरी यही खबर है कि प्रशासन यहाँ पे सख्त है। लोगों को हिदायत दी गई है कि लोग जो है वो किसी तरीके से अपने घरों से बाहर ना निकलें। हॉटस्पॉट जो चिन्हित किए गए हैं वहाँ पर प्रशासन की पूरी सक्रियता देखी जा रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। 5 नए केसेस के साथ झारखंड में टोटल केसेस हो गए 19+5 यानी कि 24। तो अफवाहों पर मत जाइएगा, कोई कहता है कि यहां से केस निकल गया, कोई कह रहा है वहां से निकल गया, अफवाहों से दूर रहना है। ऑल टाइम पब्लिक इंडिया देखते रहना है, जो भी अपडेट आएगा हम लगातार जो है आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम हमेशा से बनाते रहते हैं और जो भी अपडेट्स आएगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। तो जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।